दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर फिल्मों में कार को बम से उड़ाने वाले सीन को कैसे शूट किया जाता है? दोस्तों, आपको भी लगता होगा कि फिल्मों में सिर्फ 5 से 6 सेकंड के सीन को दिखाने के लिए इतनी महंगी कारों को कैसे उड़ा देते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही चीज देखने वाले हैं कि आखिर इन सीन्स को कैसे शूट किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फिल्म में जिस कार को बम से उड़ाया जाता है वो रियल की कार्स नहीं होती, बल्कि इन सीन्स को स्टूडियो के अंदर ही क्रिएट करके शूट किया जाता है। इन सीन्स को शूट करने के लिए मूवी के हिसाब से कारों के छोटे छोटे टॉय मॉडल बनवाए जाते हैं, जिसके बाद मिट्टी की सहायता से एक रोड बनाई जाती है, जिसे इस तरीके से बनाया जाता है कि वो रियल की रोड लगे। जिसके बाद इसी रोड के ऊपर इन कारों को अपनी अपनी जगह पर रख दिया जाता है। फिर जिस कार का उछलना या फिर पलटना दिखाना होता है, उसे धागे की हेल्प से उछाला जाता है। फिर कैमरे में रिकॉर्ड हुए सीन में से एडिटिंग की हेल्प से धागे को रिमूव कर दिया जाता है। आपको बता दें कि जैसे ही धागे से कार को उछाला जाता है, उसे रियल में दिखाने के लिए उस पर मिट्टी भी डाली जाती है। और कई बार तो फिल्मों में ऐसा भी दिखाया जाता है कि बहुत सारी कारें एक ही लाइन में चल रही होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार के सीन को शूट करने में एक टेप की हेल्प ली जाती है, जिसे इन कारों के नीचे कुछ इस प्रकार से लगाया जाता है। फिर उन्हें सीधी लाइन में चलाकर सीन को शूट कर लिया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि कार के ब्लास्ट होने के बाद कुछ कारों को जलता हुआ या फिर उनमें से धुआं निकलता हुआ दिखाने के लिए इन कारों के अंदर कुछ इस प्रकार से धूप बत्ती रखी जाती है। और जलती हुई कार को दिखाने के लिए कुछ इस प्रकार से कारों के ऊपर पिघला हुआ मोम डाला जाता है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि मूवी में छोटी सी छोटी बातों पर कितना ध्यान रखा जाता है। इस तरह से सीन को शूट करने में पैसे की बचत के साथ एक्टर की सेफ्टी भी हो जाती है। तो इसी प्रकार अगर आपको लगता है कि रोबोट मूवी में इन सीन्स को रियल में शूट किया गया होगा, तो आप इस वीडियो को जरूर से देख लेना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।